नमस्कार दोस्तों और प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंदिरा एकादशी का व्रत अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और इसे पितृ पक्ष एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने से जो व्रती है उसको तो जीवन में हर सुख समृद्धि शांति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से, इसका पालन करने से जो व्रती है उसके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इंदिरा एकादशी का व्रत मुख्यतः पितरों की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत का पालन करने से आपको भगवान विष्णु जी और अपने पूर्वजों यानी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपके सभी दुखों का अंत होता है। कष्ट निवारण, रोग निवारण, दरिद्रता निवारण होने के साथ साथ आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होने लगता है और इच्छाओं की भी पूर्ति होती है। कोई अधूरी इच्छा या मनोकामना है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। तो चलिए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है। सबसे पहले इस एकादशी का व्रत करने से जीवित रहते हुए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है वह मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि इंदिरा एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। इस व्रत को करने से पूर्व जन्मों के पापों की से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति पवित्र जीवन की ओर अग्रसर होने लगता है। अगला लाभ या महत्व इस व्रत का ये है कि इस व्रत को करने से मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है। यह व्रत व्यक्ति के भीतर छिपे बुरे विचारों, नकारात्मकता, अहंकार को समाप्त करता है। उसे सच्ची भक्ति और धर्म की ओर प्रेरित करता है। जिन व्यक्तियों के परिवार में पितृ दोष है उन्हें इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इंदिरा एकादशी व्रत से पितृ दोष की शांति होती है, जिससे घर परिवार में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत के प्रभाव से जीवन के समस्त कष्ट जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में भक्ति भाव और पुण्य की वृद्धि होती है। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे उत्तम उपाय या साधन है। इस व्रत को जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में जो भी कष्ट, बीमारी, दरिद्रता, जो भी परेशानियां हैं वह बहुत ही तेजी से दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपको भगवान श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति अपने जीवन में सफल रहता है, सफलता की ओर बढ़ता है। कुल मिलाकर शास्त्रों में बताया गया है जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत व्रती के जीवन को धर्म और आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर करता है और इस व्रत करने से यह व्रत विधि विधान पूर्वक यदि आप करते हैं तो न केवल हमें अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त होती है बल्कि हमारे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।